नमस्कार बैंक साथियों। दोस्तों, मुझे अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मिले थे कि वही बैंकर की जो रिट पिटीशन थी NI में, उसका 4 फरवरी को सुनवाई होनी थी, उसका क्या बना। तो आज मैं उसकी अपडेट लेके आपके सामने आया। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि 4 फरवरी मतलब कल जो वही बैंकर की सुनवाई होनी थी उसमें क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यू आर वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल दिस सिंह ब्रॉडकास्ट, एंड मैं सतनाम सिंह लेके हाजिर हूँ आपके लिए आज की वीडियो वही बैंकर के ऊपर। वही बैंकर के ऊपर दोस्तों, जैसे कि आपने देखी होगी, मेरे चैनल के ऊपर पहले भी से भी वीडियो अवेलेबल्स हैं। और वही बैंकर ने अपना केस लगाया था NIT में, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 3/11 को सुनवाई थी। 3/11 को सुनवाई किसी कारण नहीं हो पाई। 4 नवंबर को वही बैंकर को ये आदेश मिला कि आपको अपना क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 15 दिन के अंदर, और इसी केस की जो सुनवाई होगी वो अभी नेक्स्ट 4 फरवरी 2021 को होगी। वही बैंकर ने अपने क्लेम डॉक्यूमेंट की कॉपी तैयार करके 3 जनवरी को ईमेल के द्वारा सभी बैंकों को भेज दिया, जो पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें पार्टीज बनी हुई थी, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जिसमें पार्टीज थे, जो भी उनको भेज दी, और साथ ही अपने क्लेम डॉक्यूमेंट की कॉपी NIT को सबमिट कर दी। इसके बाद अभी 4 फरवरी 2021 को सुनवाई होनी थी। इस सुनवाई में दोस्तों ये हुआ कि NIT ने जो इनके मौजूदा सभी बैंकों के प्रतिनिधित्व जो भी शामिल हुए, और जो प्रेजेंट लेबर एसोसिएशंस थे, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि की वहां पहुंचा नहीं इस 4 फरवरी को। और बैंकों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो कर्मचारी जो ऑफिसर्स आए थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें तो वही बैंकर की तरफ से भेजी गई क्लेम स्टेटमेंट्स की कॉपी मिली ही नहीं। जबकि इसी के प्रति उत्तर में वही बैंकर ने 3 जनवरी को जो ईमेल के द्वारा सभी बैंकों को ये प्रति भेजी गई थी उसका प्रमाण दिया। इसके बाद बैंकों के जो ऑफिसर्स आए थे इसमें, और उन्होंने कहा कि हमें तो हार्ड कॉपी चाहिए नियम अनुसार। जो भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर था NIT में, उन्होंने ये कहा कि अभी तो देश, जैसे कि आपको पता है कि नो पेपर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, हर तरफ डिजिटल इंडिया का प्रावधान है, और आप हार्ड कॉपी मांग रहे हो। आज के टाइम पे जो ईमेल की जो वैधता है वो एक रजिस्टर्ड डाक के बराबर ही गिनी जाती है, जो कि ऑफिशियल काम में आती हैं। इसके बाद सार्वजनिक बैंकों को कहा गया कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। नेक्स्ट दोस्तों, फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की तरफ से वही बैंकर को इस सुनवाई में ये आदेश दिया गया कि आप अपने क्लेम डॉक्यूमेंट की कॉपी को सारी बैंकों को भेजेंगे दोबारा एज ए हार्ड कॉपी, एंड हार्ड कॉपी रिसीव होने के बाद सारी पब्लिक सेक्टर बैंकों के अधिकारीगण अपनी एक्नॉलेजमेंट पेश करेंगे, और उसकी एक कॉपी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भी सबमिट करेंगे कि हमने इनके द्वारा भेजे गए क्लेम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, कोई भी और बातचीत इस सुनवाई में नहीं हो पाई, और साथ ही नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने इसी केस की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2021 को निर्धारित कर दी। अभी क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट दोबारा करेगी वही बैंकर्स, और अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2021 को दोबारा होगी। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस जाने के बाद इसकी कोई ऐसे नहीं होता कि साल 6 महीनों में ही ये ख़त्म हो जाए और हमें अपना और गवर्नमेंट अपना ओपिनियन क्लियर कर दे। जैसे कि पुराने इतिहास को हम देखते हैं कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तो प्रावधान तो है कि 1 साल के अंदर इनको इस केस को क्लियर करना होता है, लेकिन एज ए हिस्ट्री को देखें तो कम से कम 2.5 से 3 साल का समय एक केस के ऊपर लग जाता है उसकी सुनवाई करने में, उनके सारी पार्टीज़ को पक्ष लेने में, उसके ऊपर अपना डिसीजन देने के बाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं 28 अप्रैल 2021 को वही बैंकर के इस केस का, जो कि नेशनल ट्रिब्यूनल में लगाया हुआ है
और ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल पे कमीशन के आधार के ऊपर बैंक पे कमीशन चाहिए। इस डिमांड के ऊपर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अपना क्या पक्ष लेती है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल्स फॉर द फ्यूचर इंफॉर्मेशनल वीडियो। थैंक यू।